हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि आप अगर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें जितने इम्पोर्टेंट आपके लिए ग्रामर के रूल्स हैं उतने ही इम्पोर्टेंट आपके लिए वोकैबुलरी भी होती है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सभी चीज़ें भी आपको प्रिपेयर करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपकी वोकैब्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस टेन ईयर्स के आप जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और केवल वो क्वेश्चन ही नहीं बल्कि हर एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन हमारे पास होते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और उन सभी क्वेश्चन में जो चार चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो चार चार वर्ड्स आए हुए हैं, उन सभी वर्ड्स को भी सबसे पहले आप तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट इडियम हमारा है टू क्राई फॉर द मून। और फ्रेंड्स, इडियम्स की अगर हम बात करें तो इडियम्स अधिकतर ऐसे होते हैं जिसका जो सेंस होता है, इडियम का जो सेंस है वो उसी में छिपा रहता है। हमें केवल रीड बिटवीन द लाइन करना होता है, हमें केवल उसको ध्यान से पढ़ना होता है और उसके जो हिडन मीनिंग है उसको हमें समझना होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया रीड बिटवीन द लाइन्स, ये भी एक इडियम है। तो रीड बिटवीन द लाइन का क्या मतलब है कि लाइन के बीच में पढ़ो, अर्थात वहां पे जो उसमें हिडन मीनिंग है, उसका जो छिपा हुआ मीनिंग है वो हमें समझना होता है। तो वही काम हमें इडियम्स में भी करना होता है, इसमें छिपा हुआ जो मीनिंग है वही हमें समझना होता है। तो ज्यादातर ऐसे ही इडियम्स होते हैं जिसका मीनिंग उसे इडियम से ही क्लियर हो जाता है। अब देखिए, जैसे ये फर्स्ट इडियम हमारा है टू क्राई फॉर द मून, यानी कि चंद्रमा के लिए रोना, चंद्रमा के लिए रोना, किसी भी चीज के लिए रोना, अर्थात कोई चीज, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कोई चीज मांगते हैं तो रो रो के मांगते हैं, अगर वो चीज उनको नहीं मिल रहा है तो वो बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं। छोटे बच्चे बहुत ही जिद करते हैं, अपना हाथ पैर भी एकदम पटकने लगते हैं, कुछ तो जमीन पे भी लौटने लगते हैं, जिद करते हैं किसी भी चीज के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सेंस इसका है। टू क्राई फॉर द मून का क्या मतलब है कि चंद्रमा के लिए रोना, यानी कि किसी एक ऐसी चीज के लिए रोना जिसे पाना मुश्किल हो या फिर असंभव हो, किसी ऐसी चीज की डिमांड करना, ऐसा चीज, कोई चीज मांगना जिसे पाना बहुत ही मुश्किल हो या फिर बहुत ही वो बिल्कुल असंभव हो उस चीज को प्राप्त करना। अब जैसे यहाँ पे बात हो रही है चंद्रमा के लिए रोने की, तो अगर कोई बच्चा कितना भी रो रहा है और वो चंद्रमा को मांग रहा है तो कोई कैसे उसको चंद्रमा लाके दे सकता है, क्योंकि उसको जमीन पे लेके आना तो एकदम इम्पॉसिबल है। तो अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग जो है इसी में छिपा हुआ है कि किसी ऐसी चीज की डिमांड करना, ऐसा चीज मांगना जिसे पाना मुश्किल हो या फिर बिल्कुल असंभव। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू क्राई फॉर या टू आस्क फॉर समथिंग, यहां पे कर सकते हैं टू आस्क फॉर समथिंग, टू आस्क फॉर समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल टू गेट, ये इसका मीनिंग हो सकता है। To cry for the moon का मतलब क्या है, To ask for something, कोई ऐसी चीज मांगना, that is very difficult or impossible to get, जिसे पाना बहुत कठिन है या फिर असंभव। I hope आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने next idiom पे। तो friends, हमारा next idiom है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, a red letter day। ये बहुत ही ज्यादा famous idiom है, a red letter day। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये इडियम आपने जरूर सुना होगा, अ रेड लेटर डे, जिसका क्या मतलब होता है। अ रेड लेटर डे का मतलब है अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे, सिग्निफिकेंट डे। तो अ रेड लेटर डे का मतलब क्या हो गया कि अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे, यानी कि एक ऐसा दिन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो फ्रेंड्स, लगभग हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा दिन होता है जो एक यादगार दिन होता है जिसे आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तो आप उसी डे को, उसी डेट को आप अ रेड लेटर डे से रिलेट कर सकते हैं कि वो जो दिन था वो मेरे लिए अ रेड लेटर डे था। और आप इसे अपने कन्वर्सेशन में भी अगर यूज करते हैं तो ये आपको कभी भी भूल नहीं सकता है।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ईडियम। तो हमारा तीसरा ईडियम है आज के लिए, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट ईडियम है द गिफ्ट ऑफ गैब। ये भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, एनडीए के एग्जाम में, द गिफ्ट ऑफ गैब। तो गिफ्ट ऑफ गैब इसका क्या सेंस हो सकता है फ्रेंड्स? इसमें तो जितने वर्ड्स अगर उसका हम सेंस निकाल ले जाते हैं तो आप तो काम आपका बिल्कुल आसान हो जाता है। और फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं एडियम्स एंड फ्रेजेस से, इसमें आपको कोई अपने सेंटेंस में यूज नहीं करना होता है, बल्कि आपके पास चार ऑप्शन होते हैं जिसमें इसका मीनिंग भी लिखा गया होता है कि इस एडियम का क्या मीनिंग हो सकता है। तो ऐसे चार ऑप्शन आपके पास होते हैं और उनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होता है। तो अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है। अगर आप कोई भी इडियम एक बार अगर पढ़े रहते हैं और उसका ऑप्शन आपके पास रहता है, चार ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट इडियम है द गिफ्ट ऑफ गैब। अब देखिए इसमें गैब का मतलब क्या होता है, तो गैब का मतलब क्या होता है, टू टॉक एट लेंथ, टू टॉक एट लेंथ यानी कि लंबी चौड़ी बातें करना, टू टॉक एट लेंथ, ये इसका मीनिंग होता है। गैप का मीनिंग केवल ये होता है टू टॉक एट लेंथ, टॉक एट लेंथ का मतलब है अधिक बात करना, यानी कि एक छोटा सा टॉपिक आपको अगर दे दिया जाए तो उस पर भी आप बहुत ज्यादा समय तक बोल सके। और यहाँ पे गिफ्ट का मतलब क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा किसी के पास अगर कोई काम करने की बहुत ही अच्छी क्षमता रहती है, एबिलिटी रहती है, तो लोग कहते हैं ये तो गॉड गिफ्टेड है। जैसे अगर कोई बहुत अच्छा गाता है तो उसके लिए भी कहा जाता है कि गॉड गिफ्टेड है। तो गिफ्ट का मीनिंग यहाँ पे किससे, क्वालिटी से है, गिफ्ट का मतलब यहाँ पे क्वालिटी से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गिफ्ट ऑफ गैब का क्या मतलब हो जाएगा कि बोलने की अच्छी क्षमता होना, अच्छी एबिलिटी होना। तो इसका सेंस, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, एबिलिटी टू टॉक, एबिलिटी टू टॉक इजिली, एबिलिटी टू टॉक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस के साथ बोलने का जो एबिलिटी है उसी को हम कहते हैं द गिफ्ट ऑफ गैब, कॉन्फिडेंटली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे द गिफ्ट ऑफ गैब का मीनिंग क्या हो गया, एबिलिटी टू टॉक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की जो क्षमता है उसी को हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ गैब। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट इडियम है चौथा इडियम, टू वॉक टाइट रोप, टू वॉक टाइट रोप, ये हमारा नेक्स्ट इडियम है, टू वॉक टाइट रोप। अब अगर देखा जाए तो इसमें भी इसका मीनिंग बिल्कुल स्पष्ट है, टू वॉक टाइट रोप का क्या मीनिंग हो सकता है, वॉक का मतलब क्या होता है, चलना, और टाइट रोप का क्या मतलब है, एक रस्सी जो बिल्कुल टाइट हो। तो ऐसा आपने जरूर देखा होगा, चाहे आपने टीवी में देखा हो या फिर आप रियल में देखे होंगे, कि जो लोग करतब दिखाते हैं वो एक रस्सी पूरा बांधे रहते हैं कुछ ऊंचाई पर और उसी पे चल के दिखाते हैं, एकदम टाइट रस्सी बंधी होती है उसी पे चल के दिखाते हैं, रस्सी पे चल के दिखाते हैं। तो अगर आपको, मान लीजिए आपको उस रस्सी पे चलना हो या फिर आपने देखा होगा चलते हुए, तो उन लोगों को वहां पे बहुत ही सावधानी से चलना होता है। रस्सी पे अगर आपको चलना है तो यानी कि आपको बहुत ही केयरफुली चलना होगा, नहीं तो आप वहां से गिर सकते हैं। तो यहाँ पे टू वॉक टाइट रोप का क्या मीनिंग हो सकता है, टू एक्ट वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी से कोई काम करना। जैसे एक टाइट रस्सी पे बहुत ही सावधानी से चला जाता है, उसी तरह से टू वॉक टाइट रोप का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू एक्ट वेरी केयरफुली। इसका मीनिंग है टू एक्ट वेरी केयरफुली। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट इडियम जो कि है टू बी इन अ फिक्स, टू बी इन अ फिक्स। तो हमारा नेक्स्ट इडियम है फ्रेंड टू बी इन अ फिक्स। तो यहां पे टू बी इन अ फिक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन, टू बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन कर सकते हैं, टू बी इन अ वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं टू बी इन अ फिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो मान लेते हैं कि अगर आप किसी बैड सिचुएशन में हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम इन अ फिक्स, आई एम इन अ फिक्स, यानी कि मैं एक बुरी परिस्थिति में हूं। तो आई होप इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम इसके आगे के एडियम्स देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट इडियम अपना देख लेते हैं, हमारा छठवां इडियम है आज के लिए, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, अब इसका क्या मीनिंग हो सकता है फ्रेंड्स? टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, यहाँ पे फिश के पहले टू लगा है, यानी कि यहाँ पे इसका मीनिंग मछली से तो नहीं है, केवल मछली से नहीं है बल्कि मछली पकड़ना से है। इसके पहले टू आ गया, यानी कि फिश का मतलब यहाँ पे मछली पकड़ना है। और इन ट्रबल्ड वाटर का क्या मतलब है? ट्रबल्ड का मतलब आपदा या मुसीबत कह सकते हैं। और यानी कि अब जैसे मान लीजिए कहीं पे तूफान आया हुआ है, जैसे अभी कुछ दिन पहले तावती तूफान आया था ना, तो जैसे तावती तूफान आया है और कोई समुद्र के पास बैठ के मछली पकड़ रहा हो, तूफान आ रहा है और कोई बैठ के मछली पकड़ रहा है, तो यानी कि इसका क्या सेंस हो सकता है? अगर उसको मछली मिल गया, कोई एक बड़ी मछली मिल गई, यानी कि उसका बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया, तो इसमें कहने का क्या मतलब है? जैसे मोदी जी बार बार कहते थे कि आपदा को अवसर बनाए, आपदा को अवसर बनाए, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम मीनिंग है कि टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन, यानी कि बुरी सिचुएशन में भी फायदा उठाना, लाभ उठाना, यही होता है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो इसका मीनिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन। तो इस idiom को अगर देखा जाए तो मोदी जी के डायलॉग से भी इसको आप याद रख सकते हैं कि टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर का क्या मतलब है कि आपदा को अवसर बनाना। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट idiom है, सातवां idiom हमारा है add fuel to fire, यानी कि आग में ईंधन डालना। फ्यूल का मतलब क्या होता है? ईंधन। एड फ्यूल टू फायर, फ्यूल का मतलब ईंधन होता है और फायर यानी आग होता है, यानी कि आग में ईंधन डालना। अगर मान लीजिए किसी का घर जल रहा है और सब लोग बुझाने के लिए दौड़ रहे हैं, पानी लेके हाथ में दौड़ रहे हैं, और आप पानी के बजाय अगर पेट्रोल लेकर जाएं और उसके घर के ऊपर फेंक देते हैं, तो आपने वहां पे क्या किया? एड फ्यूल टू फायर वहां पे किया, यानी कि आग में घी डालने का काम किया आपने, उसका घर तो और जोर जोर से जलने लगेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? किसी भी एक बुरी सिचुएशन को और बुरा बना देना। घर तो पहले से ही जल रहा था लेकिन आपने उस पर पेट्रोल डाल दिया, यानी कि वो और जोर जोर से जलने लगा। तो इसका मीनिंग हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि टू मेक अ मैटर वर्स। वर्स का मतलब क्या होता है? ये बैड का कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि और बुरा। टू मेक अ मैटर वर्स, किसी बात को और बुरा बना देना किसी। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट idiom है बी ओवर द हिल। अब हिल का मतलब क्या होता है? पहाड़ी होती है। ओवर का मतलब ऊपर होता है, बी यानी होना, पहाड़ी के ऊपर होना। और बी ओवर द हिल, यहाँ पे इसका क्या सेंस निकल सकता है? यहाँ पे आप हिल को मान लीजिए, हिल की जगह पे अगर आप एज मान लेते हैं तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा कि आप बिल्कुल ओवर एज हो गए हैं। ओवर एज होने का क्या मतलब? बहुत ज्यादा बूढ़ा होना, कि वो कोई भी काम करने में असमर्थ हो, इतने बूढ़े हो जाना। तो टू बी ओवर द हिल का क्या मतलब हो सकता है? टू बी टू ओल्ड टू डू समथिंग, इतना ज्यादा बूढ़ा हो जाना कि कोई काम करने में असमर्थ रहे बिल्कुल। तो इसी को हम कहते हैं बी ओवर द हिल। बी ओवर द हिल को आप ओवर एज से याद रख सकते हैं। ओवर द हिल यानी ओवर एज, जब ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं लोग, उनको हम कह सकते हैं कि ही इज ओवर द हिल। ही इज ओवर द हिल यानी कि वह बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है। या फिर कह सकते हैं कि माई ग्रैंड पा इज ओवर द हिल। माई ग्रैंड पा इज ओवर द हिल यानी कि मेरे दादाजी इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब कोई काम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इतने बड़े सेंटेंस को हमें कहना है कि मेरे दादाजी इतने बूढ़े हो गए हैं कि वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इस इतने बड़े सेंटेंस को आप इतने शॉर्ट में कह सकते हैं कि माई ग्रैंड पा इज ओवर द हिल, बस इसमें पूरा सेंस आ गया। तो यही काम करते हैं idioms हमारे। तो इसका मीनिंग हम क्या लिख सकते हैं? To be too old to do something. इस तरह से हम इसका मीनिंग भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट idiom हमारा है to bite your tongue का क्या मतलब है? बाइट का मतलब काटना होता है, यानी कि आगे के दांतों से काटना। बाइट का मतलब होता है योर टंग, यानी अपने जीव को, अपने जीव को अपने दांतों से काटना, अर्थात दांतों तले जीव को दबा लेना।
तो इसका क्या सेंस हो सकता है फ्रेंड्स? अपने दांतों के बीच में जीभ को दबा लेना, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? कि आप कोई बात कहना तो चाहते थे लेकिन आपने अपने आप को रोक लिया, अपने अपने टंग को, अपनी जुबान को अपने दांतों से दबा लिया, यानी कि अपने आप को कोई बात कहने से रोक लिया। जिस बात को कहने से कुछ बुरा हो सकता है, ऐसे बात को कहने से आपने अपने आप को रोक लिया, तो इसी को हम कहते हैं बाइट योर टंग। तो इसका मीनिंग हम क्या लिख सकते हैं? टू स्टॉप योर सेल्फ, टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू से, या फिर केवल नॉट टू तक लिख सकते हैं। तो बाइट योर टंग का मीनिंग क्या हो सकता है? टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, अपने आप को कुछ कहने से रोक लेना, बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू, क्योंकि उसे ना कहना ही अच्छा रहेगा। तो लास्ट इडियम हमारा है जिसके बारे में हमने पहले ही बात की है, कि रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स। अब इसका क्या मीनिंग बताया गया है? अभी स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का क्या मतलब है? लाइन्स के बीच में पढ़ना, अर्थात उन लाइन के बीच जो हिडन मीनिंग है उसको समझना, इसी को हम कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो इसका मीनिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, इसी को हम कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का क्या मतलब है? टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। तो आई होप आपको ये पूरे 10 idiom बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।